हेलो 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 एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम देखने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन द आइंस्टीन कोफिशियंट इन लेजर। प्रीवियस वीडियो में हमने तीन चीज़ देखी थी, अब्जॉर्प्शन, ठीक है, स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। तीनों के फॉर्मूलाज निकाल लिए थे, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, जो एनर्जी के ऊपर था, जिसमें अपन ने तीन आइंस्टीन के कोफिशियंट निकाल लिए। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होती है, राइट। तो देखो, इक्वेशन नंबर 1 है, वो है अब्जॉर्प्शन की, जिसके अंदर अपन ने बताया था एनर्जी 1 से सेकंड की ओर एनर्जी लेके आपका एटम हायर एनर्जी लेवल पे चला जाता है। सेकंड के अंदर हायर लेवल पे ही होता है स्पॉन्टेनियस में, एंड वो नीचे आता है तो एनर्जी को रिलीज कर देता है। एंड थर्ड के अंदर क्या होता है, वो भी हायर पे ही होता है थर्ड के अंदर भी, लेकिन अपन क्या करते हैं, उसको इंसिडेंट करते हैं एक एनर्जी लेवल हायर के ऊपर, एनर्जी लेवल देते हैं, तब वो नीचे आता है तो दो एनर्जी लेवल निकाल देता है। तो ये तीनों अपन ने निकाले बारी बारी, जिनके कोफिशिएंट निकाल लिया प्रीवियस वीडियो के अंदर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप प्लेलिस्ट में भी चेकआउट कर सकते हो। नाउ वी विल सी द रिलेशनशिप बिटवीन द आइंस्टीन कोफिशिएंट्स, क्या रिलेशनशिप बनती है इन सब के बीच में। तो देखो, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है अब्जॉर्प्शन की, ठीक है, जिसमें N1 B1 टू 1 से 2 की ओर, 1 एनर्जी लेवल से 2 की ओर म्यू वी, ठीक है। सेकंड अपना निकला था स्पॉन्टेनियस एमिशन, जिसके अंदर N2 A21 निकला था, A21 B2 B12 और B21, दीज आर द आइंस्टीन कोएफिशिएंट, ओके, एंड नंबर ऑफ एटम्स, एंड दिस इज द म्यू, दैट इज योर डेंसिटी, राइट। सो नाउ दिस इज योर स्टिमुलेटेड एमिशन N2 B21 म्यू वी, राइट। नाउ अपन थर्मल इक्वेशन, जो आपने पता है थर्मल इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन होती है, वही आपका जो टोटल एमिशन रेट है उसके इक्वल होती है। अब टोटल एमिशन का मतलब है दो एमिशन हुए यहाँ पर, ठीक है, तो दोनों का एड ऑन हो गया, किसके इक्वल निकलेगा, आपके रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन। अब रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन क्या है भैया, ये है सर N1 B1 टू म्यू वी, ठीक है, ये आ गई वैल्यू, ये इक्वल टू आ गए, दोनों एड हो गए। नाउ अपन ने वैल्यू इन तीनों की पुट कर दी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से तीनों तीनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दिया है। नाउ अपन क्या कर रहे हैं, म्यू वी को कॉमन लेने में लग रहे हैं, तो अपन ने इस वाले पार्ट को इस तरफ लेकर, तो ये माइनस में हो गया, राइट, हो गया माइनस में। अब म्यू वी को कॉमन ले लेंगे तो N1 B1 टू माइनस में N2 B21, ये पार्ट बन गया, और ये पार्ट इक्वल टू में है, तो इस पार्ट को नीचे ले जाऊंगा, तो लास्ट वैल्यू बन गई N2 A21 अपॉन में N1 B12 माइनस में N2 B21, म्यू वी की वैल्यू मेरे को मिल गई, नो डाउट। नाउ अब मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के अंदर N2 B21 कौन सा वैल्यू N2 B21 से डिवाइड करूंगा, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो इसमें डिवाइड करा तो इस तरह वैल्यू आ गई, इसको डिवाइड करा इस तरह वैल्यू आ गई, इसको डिवाइड करा इस तरह वैल्यू आ गई, ये तो पूरा कट जाएगा, बन जाएगा 1, ठीक है। इसमें N2 से N2 कट जाएगा, बचेगा क्या, A21 अपॉन B21, ठीक है, इसमें कॉमन निकाले तो B12 अपॉन B21 मल्टीप्लाई है N1 अपॉन N2 माइनस 1। अब अपन ये कोफिशिएंट जो है ना, इनको 1 के इक्वल मान रहे हैं, 1 के इक्वल अगर मानते हैं तो इनकी वैल्यू 1 हो गई, तो लास्ट फाइनल म्यू वी की वैल्यू क्या निकली, A21 अपॉन B21 डॉट 1 अपॉन N1 अपॉन N2 माइनस 1, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग, जहाँ पे N0 होती है ग्राउंड लेवल पे जो पॉपुलेशन होती है वो, N1 फर्स्ट आपकी जो पॉपुलेशन निकलती है वो, तो N1 इक्वल टू N0 डॉट ई की पावर E1 KBT होती है, ठीक है। नाउ ये कॉन्स्टेंट होता है इसका, बोल्ट्जमैन का, एंड N2 के केस में क्या होगा, यहाँ पे E2 आ जाएगा, N0 का N0 सेम टू सेम वो का वही फॉर्मूला काम में आ गया। अब अगर मैं इस वैल्यू को N2 को N1 से डिवाइड कर दूँ तो मुझे इस तरह से वैल्यू मिलेगी, जिसमें N0 से N0 कट जाएगा, राइट, कट गया। नाउ अब ये वाला पार्ट में ऊपर ले जाऊंगा तो ये प्लस में हो जाएगा, जैसे कि ये हो जाएगा इस तरह से हो जाएगा, आगे वाला पार्ट वो का वही रहेगा सेम। तो अब मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लू, E2 माइनस E1 बन जाएगा, देन डिवाइड बाई KT, राइट, यही हो रहा है, तो यही तो यहाँ पे लिखा है मैंने, तो ये माइनस का माइनस यहाँ पे आ गया, और दिस इज N2 अपॉन N1, राइट। नाउ अपने फॉर्मूले में अपना होता है A21 अपॉन B21 एंड B12 अपॉन B21 डॉट N1 अपॉन N2 होता है, ये क्या होता है N1 अपॉन N2 था अभी देखा अपन ने, बट ये क्या N2 अपॉन N1 है। अब इसको उल्टा ले जाएंगे तो माइनस हट जाएगा, क्योंकि इनवर्स हो जाएगा तो माइनस हट जाएगा,
माइनस हट गया तो यहाँ पे क्या बन गया एच न्यू, क्योंकि ई टू माइनस ई वन हमें पता है आइंस्टीन के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एच न्यू होता है, तो एच न्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है और माइनस हट गया क्योंकि एन वन अपॉन एन टू है राइट, तो ये वैल्यू आ गई माइनस वन आ गया। अब एक फाइनल आता है इसमें अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, रेडिएशन लॉ का एक फॉर्मूला होता है उसका भी वैल्यू ये होता है म्यू इक्वल टू एच सॉरी एट पाई एच वी थ्री अपॉन सी थ्री डॉट वन अपॉन ई एच न्यू के टी माइनस वन राइट। तो इस केस में और इस वाली इक्वेशन में ठीक है फाइव और सिक्स दोनों में कंपेयर करो और आपको पता चल जाएगा किसकी वैल्यू क्या है राइट। इसकी वैल्यू बताओ अब इसके अकॉर्डिंग, तो ये निकलेगी सर ए टू वन अपॉन बी टू वन इक्वल टू एट पाई एच वी थ्री अपॉन सी थ्री राइट। सेकेंड यहाँ पे वैल्यू हो गई इसकी वन, इसकी वन हो गई तो बी वन टू अपॉन बी टू वन इक्वल टू वन, वन है तो बी वन टू इक्वल टू बी टू वन आपस में एक दूसरे के इक्वल है और इसके फॉर्मूले की वैल्यू ये है। तो इनसे हमारी दो इक्वेशन बन के निकलती है, एक ये और एक ये, तो दो कंक्लूजन लिख के आना लास्ट में ठीक है, सबसे लास्ट में नंबर अच्छे आने। तो पहला ये लिख के आना कि रेशियो ऑफ ए टू वन अपॉन बी टू वन इज प्रपोर्शन टू द क्यूब ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी के क्यूब के प्रपोर्शन होता है इनका रेशियो। दूसरा इक्वल टू आए इट मीन्स दैट कि एमिशन एंड आपका जो है अब्जॉर्प्शन उसका जो एनर्जी कोफिशियंट है वो आपस में इक्वल होता है। दो अपनी रिलेशनशिप निकल गई, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशियंट, आइंस्टीन के कोफिशियंट के बीच में ये रिलेशनशिप निकलती है दो, नंबर वन ये नंबर टू ये। तो ये थी हमारी छोटी सी वीडियो, आई बिलीव आपको मजा आ गया, मजा आ गया तो लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो वीडियो को शेयर करते हो तो हमें सपोर्ट मिलता है और इस तरह की और वीडियोज हम आपके लिए लेके आते हैं। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, प्यार देने के लिए थैंक यू।